प्रतिदिन 5000 से अधिक डाइट दे रही है भाजपा सेवा रसोई। धनखड़ ने बहादुरगढ़ में प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा सेवा रसोई का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुमित्रा चौहान, जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने बहादुरगढ़ में चल रही वैदिक भाजपा रसोई के बारे में जानकारी दी। धनखड़ ने कोरोना संक्रमण के संकट काल में महिला मोर्चा की ओर से शुरू की गई वैदिक सेवा रसोई की प्रशंसा की। धनखड़ ने कहा कि प्रदेश भर में भाजपा सेवा रसोई द्वारा 5000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों व उनके परिजनों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। झज्जर जिले में बहादुरगढ़ में 2 और झज्जर में 1 भाजपा सेवा रसोई जिला भर में कोविड संक्रमितों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवा रही है। धनखड़ बोले, मिलकर हराएंगे कोरोना को। और बहादुरगढ़ पहुंचे ओम प्रकाश धनखड़ ने सेवा रसोई में न केवल जायजा लिया अपितु वहां पर भोजन भी किया, तदुपरांत जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरित भी किया। बहादुरगढ़ के संजय अस्पताल में पहुंची जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीना सतपाल राठी ने पूर्व विधायक नरेश कौशिक, जिला अध्यक्ष विक्रम काद्यान, तमाम भाजपा नेताओं समेत वैदिक सेवा रसोई के तहत जरूरतमंदों डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग्स को भोजन सामग्री वितरित की, फल जूस व स्वच्छ पेयजल भी वितरित किया। वीडियो में आप देख सकते हैं पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष समेत तमाम जो मंडल अध्यक्ष व भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो स्वयं अपने हाथों में सामान, भोजन, जूस आदि लेकर अस्पताल में पहुंचे और डॉक्टर्स व कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को उन्होंने यह भोजन सामग्री वितरित की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर नीना सतपाल राठी व तमाम उनकी टीम की कार्य प्रणाली की सराहना की गई और लगातार 12 दिन तक बहादुरगढ़ में चल रही वैदिक सेवा रसोई द्वारा की जा रही सेवा को सराहा गया। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में भाजपा वैदिक सेवा रसोई जो लगातार 12 दिन से पौष्टिक भोजन के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन वितरित करती आ रही है, उन्होंने झज्जर जिले समेत तमाम जगह पर जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाया है। भाजपा सेवा रसोई के तहत 12वें दिन आज मैं मौजूद हूं बहादुरगढ़ में और आज मेरे साथ पूर्व विधायक नरेश कौशिक हैं, भाजपा के जो झज्जर जिला अध्यक्ष विक्रम काद्यान जी हैं और डॉक्टर्स हैं, पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी भी हैं, नीना राठी, सतपाल राठी। पहले बात करेंगे पूर्व विधायक नरेश जी से, भाजपा सेवा रसोई आज 12वां दिन है, क्या कहेंगे? ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में लगभग 15 दिन से पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 रसोइयाँ, हर जिले में 2-3 रसोइयाँ चली हुई हैं और बहादुरगढ़ में भी और झज्जर में हमारे माननीय ओम प्रकाश जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष भाई विक्रम काद्यान जी के नेतृत्व में 1 रसोई हमारी झज्जर में चली हुई सेवा रसोई और 2 हमारी सेवा रसोइयाँ बहादुरगढ़ में चली हुई, 1 वैदिक सेवा रसोई हमारी जो महिला मोर्चा की जिले की अध्यक्ष हैं श्रीमती नीना राठी जी उनके नेतृत्व में, 1 हमारे भाई करमवीर राठी जी जो एक्स चेयरमैन है नगर परिषद के उनके नेतृत्व में 2 सेवा रसोइयाँ यहाँ चली हुई और मैं धन्यवाद करता हूँ दोनों का, नीना राठी जी का भी, भाई करमवीर राठी जी का भी, कि पूरी मेहनत और लगन के साथ इन्होंने जिस तरह से मेहनत करी है वो काबिले तारीफ है। मैं दोनों का धन्यवाद करता हूँ और पूरे कार्यकर्ता जो इस महामारी, वैश्विक महामारी में भी जो लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, चाहे मास्क बांटने की बात करें, चाहे किसान मोर्चा ने जो हमारी अनाज मंडी में जो किसानों को मास्क बांटने का काम किया, सैनिटाइजर बांटने का काम किया, इसी तरह जिस भी कार्यकर्ता की जहाँ भी ड्यूटी लगाई उसने निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी से पूरा काम किया। चलिए, जिला अध्यक्ष विक्रम काद्यान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे जिले को लेकर के। जिस तरह से जिले मुख्यालय पर ऑक्सीजन बैंक भी बनाया गया है, तमाम तरह की वो सारी सुविधाएं हैं, मास्क, सैनिटाइजर से लेकर के और अब वैदिक रसोई, क्या कहेंगे? देखिए, जब से कोरोना 2 आया है, कोरोना 1 में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है,
और बहुत सारे एनजीओज ने भाग लिया था, लेकिन कोरोना टू में ये देखने की बात थी कि इतनी तेज लहर थी कि बहुत से एनजीओज भी पीछे थे। तो अब समय था ये कि पब्लिक के बीच में भी जाना है, अपने आप को भी अपने परिवार को भी बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ के सबसे पहले अपने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। तो हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद और उसके बाद कमी आई ऑक्सीजन की, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का, हमारी ऑक्सीजन जो सप्लाई है उसको डबल करने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, 4.5 मीट्रिक टन से हमारे ज़िले को 8.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली। 2 ऑक्सीजन के जो हमारे जो कंसंट्रेटर नहीं कंसंट्रेटर नहीं प्लांट उनको चालू करने का, वो जल्द ही 2-4 दिन के अंदर अंदर वो चालू भी हो जाएंगे जी। और 1 फिलिंग स्टेशन जो रोहद में था, उसके बाद 2 फिलिंग स्टेशन बहादुरगढ़ में भी चालू होने का काम यहाँ पे किया। रही बात ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की, पूरे भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा ने जो 550 से ऊपर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देने का काम किया, लोगों से मदद करवा करवा के कुछ पार्टी के हिसाब से, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का एक पूरा कंटेनर अमेरिका से हमने इंपोर्ट कराया, और 32 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो झज्जर जिले के पास, और वर्ल्ड पुलिस जो है वहाँ पे हमने गुरावड़ में दे रखे हैं 22, और 10 जो है झज्जर के हमारे कार्यालय में, झज्जर के जो कार्यालय में है उसमें से 5 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब मरीज उसको लाभ भी उठा रहे हैं। रही बात उसके अलावा आइसोलेशन किट्स जिसमें दवाइयाँ हैं, उसमें ऑक्सीजन मीटर है, उसमें भाप वाली मशीन है, और उसमें थर्मामीटर, बहुत सारी इस किस्म की जो चीज़ें हैं। कल जो बात है, आदरणीय अध्यक्ष जी आज आए हुए थे, आज हमारे दो क्योंकि इस कोरोना काल में सबसे बड़ी दिक्कत आई थी ब्लड, पीजे रोहतक में भी, झज्जर में भी, हर जगह ब्लड की बहुत कमी है, तो पूरे हरियाणा में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगे कल भी और आज भी। आज झज्जर में एक ब्लड डोनेशन कैंप है और आज एक रोहतक में भी, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष दोनों जगह शामिल हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कल हर मंडल में 10 टीमें बना के और 10 टीमें 2-2 गांव में जाके मास्क और सैनिटाइज़र वितरण का काम करें। तो इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी का जो है बढ़ चढ़ के भाग लेना, लोगों के बीच में मदद करने का एक जज्बा जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपना मनोहर लाल जी, आदरणीय ओम प्रकाश कुंभकर जी, उनके मार्ग दिखाए हुए मार्ग पर हम चलने का काम। चलिए, आपने देखा कि वैदिक सेवा रसोई के तहत आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का झज्जर जिले के प्रत्येक कार्यकारिणी के सदस्य और तमाम पदाधिकारी पूर्व विधायक समेत यहां पर मौजूद हैं। एक बार चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर नीना सतपाल राठी से भी। डॉक्टर साहब, 12वां दिन है लगातार मैं भी आपके साथ जुड़ा रहा हूँ और आज 12वां दिन है। आज स्वयं प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन, तमाम लोग यहाँ संजय हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे इस पूरे संकल्प को, आज 12वां दिन है। सबसे पहले तो आज हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष जी शामिल रहे जी, विक्रम जी जो जिला अध्यक्ष हैं, आदरणीय नरेश जी, करमवीर जी हमारे बीच में शामिल रहे, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। जब शीर्ष नेता फील्ड में उतरकर कार्यकर्ताओं के बल को बढ़ाने के लिए जब एक प्रयास करते हैं तो कार्यक्षमता दोगुनी हो जाती है कार्यकर्ता की, और हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने लगातार इस कोविड दौर के दौरान ऐसा ही किया, चाहे ऑक्सीजन बैंक की बात हो, ब्लड कैंप्स की बात हो, या दवाइयों की बात हो, या कोविड किट की बात हो, इम्यूनिटी बूस्टर की बात हो, जिला अध्यक्ष जी ने आपको बड़े विस्तार से बताया है, अपने प्रयास की झड़ी लगाई है, अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, और उनके प्रयास का, सकारात्मक प्रयास का ही ये रिजल्ट है कि लगातार कोविड का ग्राफ गिर रहा है, मरीज ठीक होकर अपने घरों में लौट रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहा कि डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंडेड डाइट पेशेंट्स को मिले, इसलिए हमने वैदिक सेवा रसोई का लगातार 12वें दिन हमारे शीर्ष नेता इसमें शामिल रहे, और कार्यकर्ताओं को जो दिशा निर्देश मिले हैं कि मरीज ठीक होने के बाद जब अपने घरों में लौट जाएं तो भी उनके साथ लगातार संपर्क जारी रखना है, ये दिखाता है कि परिवार का एक मुखिया जब परिवार में एक पिता की भूमिका निभाता है तो दूसरे सदस्य अपने आप अनुशासन में लगकर उस कार्य क्षमता को दोगुना करते हैं, और ये निरंतर प्रयास हमारे प्रदेश को दोबारा फिर से
उसी जिंदगी की दौड़ में शामिल करेगा। ये हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी है। आज हम डॉक्टर संजय जी के हॉस्पिटल में आए। डॉक्टर संजय के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी, एक डॉक्टर होने के साथ एक सर्वश्रेष्ठ इंसान भी हैं, जो लगातार अपनी जान की परवाह न करते हुए, मैं इनके माध्यम से मैं यहाँ आज इस हॉस्पिटल में खड़ी होकर सभी डॉक्टर्स को दिल से सलाम करती हूँ, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जिन्होंने लगातार अपनी जान की परवाह ना करते हुए प्रदेश को जीवन की ओर लौटाने की दिशा दी है। बहुत धन्यवाद जी। चलिए पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी जी से भी पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे सेवा रसोई को लेकर के दो शब्द। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो हमारे को आदेश दिए थे, जिलाध्यक्ष जी ने, हम तो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और करते रहेंगे जी। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे अपने साथियों का कि सभी ने जो ना इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, धन्यवाद। चलिए और डॉक्टर संजय जी हमारे साथ हैं जो इस समय यहाँ भादुरगढ़ में मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना वॉरियर्स ये समय पुराना हो चुका है, अब डॉक्टर्स को भगवान के रूप में भी देखा जाने लगा इस वैश्विक महामारी के दौरान। तमाम जो प्रशासन है, सरकार है और यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग आज आपके साथ मौजूद हैं, किस तरह का सहयोग रहा? खास तौर से मैं सेवा रसोई की बात आपसे करना चाहूँ तो सेवा रसोई के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने पिछले 12-13 दिन से हमारे यहाँ 2-3 बार सप्लाई कर रखा है जी, और जिसमें जो खाने का क्वालिटी है, क्वालिटी मरीजों के बहुत काम आएगी ऐसी क्वालिटी, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ती है मेनली प्रोटीन रिच डाइट एंड जिंक कैल्शियम रिच डाइट, और जो कि इसमें पूरी तरह से इस वैदिक रसोई के माध्यम से देने का कार्य किया गया है। जो इसके सप्लायर हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, उसमें पूर्व विधायक जी, चेयरमैन साहब लीना राठी जी, इन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने टाइम टू टाइम हमेशा पेशेंट के लिए या हॉस्पिटल के लिए हमेशा खड़ी रही हैं। कभी कोई वर्क हुआ तो हमेशा काम करने का कष्ट किया है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए मैं इन लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए।